आगे बढ़ते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी में दरअसल ईरानी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी हुई। आपको बता दें, छात्रों ने यहां पर जोरदार नारे लगाए, मुल्ले वापस जाओ, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं और यहां पर अपना आक्रोश जताया। प्रियंका चोपड़ा का ईरानी महिलाओं को समर्थन, हिजाब विरोधी क्रांति में कूदी है प्रियंका चोपड़ा। छात्रों ने देखिए किस तरीके से आक्रोश यहां पर है, ईरान में क्या कुछ हो रहा है हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर, वो उस पूरे विवाद में। अब प्रियंका चोपड़ा की भी एंट्री। प्रियंका चोपड़ा ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को पूरी छूट होनी चाहिए, उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ईरान की चिंगारी, हिंदुस्तान में तैयारी। हिजाब क्रांति के साथ दुनिया की आवाज। हिजाब से आजादी, दुनिया भर में मुनादी। ईरान में हिजाब क्रांति का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ईरानी महिलाओं के संघर्ष को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी ईरानी महिलाओं को समर्थन दिया है। उन्होंने ईरानी महिलाओं के साहस को सलाम करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ईरान और दुनिया भर में महिलाएं खड़ी हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं, सार्वजनिक रूप से अपने बाल काट रही हैं, जो आवाजें जबरदस्ती चुप्पी के बाद बोलती हैं, वे ज्वालामुखी की तरह फट जाएंगी और वे नहीं रुकेंगी और न ही दबेंगी। प्रियंका चोपड़ा ने हिजाब क्रांति को पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई बताया है। प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट को 4,30,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं और 54,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं। कमेंट करने वालों में दिया मिर्जा जैसी अभिनेत्रियां भी हैं। गौरतलब है कि ईरान की मोरल पुलिस ने मेडिकल छात्रा महशा अमीनी को ठीक से हिजाब नहीं पहनने पर इस कदर पीटा था कि उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद से ईरानी महिलाओं ने हिजाब को सरेआम चौराहों पर उतार फेंका और उसे जला दिया। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन को वहां की रईसी सरकार ताकत के बल पर कुचलने की कोशिश कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा आंदोलनकारी मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या लड़कियों की है। शनिवार को तेहरान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने रईसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रईसी आंदोलन के बारे में छात्रों से बात करने के लिए यूनिवर्सिटी गए थे, जहाँ मुल्ला वापस जाओ के नारे लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।